अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं मक्का पहुंच चुकी हूं और ये है मेरा रूम जिसने हमें बहुत इंतज़ार करवाया। तकरीबन 4 घंटे मैं बैठी रही हूँ और अभी मैं इफ्तार लेकर आई हूँ अपने लिए। तो जी, ये है हमारी इफ्तारी, क्योंकि सिर्फ खजूरें खा के रोज़ा इफ्तार किया था, फिर यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, तो अब इफ्तार लेकर आए हैं कि खाएं, उसके बाद थोड़ी ताकत आए फिर उम्रा करने के लिए जाएं। जी, इफ्तारी से फ्री होके अब हम जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। मैंने ये सोचा कि अब ईशा की नमाज़ उधर ही पढ़े, क्योंकि 10-15 मिनट हमें लगते हैं हरम से, मेरे होटल से हरम तक, और ईशा में टाइम भी इतना रह गया था, तो बेहतर है कि ईशा हरम में ही पढ़ी जाए। रश बहुत ज़्यादा है, अब हरम पाक में जाके पता चलेगा कि क्या आलम है रश का। यहाँ से क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये हरम पाक शुरू हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा रश है अभी। हम उम्रा करने के लिए आए लेकिन उन्होंने हरम का हर साइड से गेट बंद किए हुए हैं, शायद रश की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, हरम में दाखिल हो चुके हैं, अंदर वाली साइड पर, बाहर वाली साइड पर, तो यहाँ पर तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं। ये सब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हू अकबर। और कहते हैं कि हरम पाक को देखकर जो पहली दुआ मांगो वो कबूल हो जाती है, तो मैं इसलिए कोशिश करूंगी कि मैं अभी दूर हूँ तो मैं निगाहें नीचे रखूँ, वहाँ जाके निगाहें ऊपर करूँगी और सबके लिए दुआ मांगूँगी जिन जिन्होंने मुझे बोला हुआ है, जो जो उस टाइम मेरे जहन में आया इंशाल्लाह। और जब आप सब देखेंगे तो आप सब भी ज़रूर दुआ मांगिएगा। जितना हो सके पेट भर के पीना चाहिए। آك يمنحني هدايا أهديت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس
कर लिया है, नफल भी अदा कर लिए हैं, बस अब हम जा रहे हैं सही करने के लिए। उसमें थोड़ा कहते हैं टाइम लगता है, उसके बाद हमने करनी है कसर। कहते हैं उम्र के 6 स्टेप्स होते हैं जो मैं घर से पढ़ कर आई थी, तो अल्लाह मियाँ मेरा उम्र कबूल करे और कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। जी ये है सही की पहली मंजिल की तरफ। ये ब्लॉग कैसा बनेगा लेकिन मेरे से जितना हो सक रहा है मैं उतना बना रही हूँ, क्योंकि कोई बात करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे ख्याल से अब हम आ चुके हैं 3rd के 4th फ्लोर पे। अल्लाह मियाँ ये सआदत सबको नसीब अता फरमाए। जितनी आंखें ये वीडियो या ये ब्लॉग देख सकते हैं अल्लाह सबको अपना घर देखना नसीब अता फरमाए। जी ये सफ़ा मरवा की वो हदूद है जहाँ एंटर होने लगे हम। कहते हैं इन ग्रीन लाइट्स के नीचे जब भी आप जाए तो थोड़ा तेज़ आपको चलना चाहिए या भागना चाहिए। जैसे जैसे देखिए आप आवाम इस तरह। एक पहाड़ी सफ़ा की है और एक पहाड़ी मरवा की, और इसके टोटल 7 चक्कर लगा दो। एक साइड पे एक चक्कर सफ़ा का और एक चक्कर मरवा का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्र कम्प्लीट हो चुका है और बस अभी मैंने नफल अदा किए हैं। अब हम जाएंगे घर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ के घर का हर नज़ारा खूबसूरत है। अभी हरम पाक की कंस्ट्रक्शन चल रही है और मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं इसे। अल्लाह मियाँ ये सआदत भी कुछ नसीबों को देते हैं और देखें मेरे सामने कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। ये गर्मियों के लिए उन्होंने एसी वाला पंखा लगाया हुआ है जिसे हम कहते हैं माशाल्लाह।
हम भी एसी वाले पंखे की थोड़ी सी हवा ले रहे हैं। गर्मी है, बहुत गर्मी है। मतलब सुना था कि जी मौसम ठंडा हो जाता है रात को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इस टाइम 12 का टाइम हो रहा है यहाँ पर और बहुत गर्मी लग रही है मुझे। घर से मैं अफ्तारी करके निकली थी, जहरी कहने लगी थी, अफ्तारी करके निकली थी और उमरा करते करते तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं। और अब बेइंतहा भूख भी लग रही है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो अब कुछ ढूंढते हैं क्या खाएं। सब कुछ ही है यहाँ पर, और मैंने सुना है यहाँ का अलबेक बहुत मशहूर है, तो अगर वो तो मुझे नज़र आ गया तो फिर लाजिम मैं वहाँ से ट्राई करूँगा। कितनी लाइन है लेडीज़ तरफ भी और जेंट्स तरफ भी, बहुत ज़्यादा। उधर अलबेग से तो निकल आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और 1.5 घंटा उधर वैसे ही वेटिंग में लग जाना था, तो अगर अभी रास्ते में कुछ नज़र आ गया तो खा लेंगे, नहीं तो सीधा होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। रास्ते में एक अलबेग नज़र आया है और देखते हैं इनकी सबसे कौन सी ज़्यादा मशहूर चीज़ है। और देखें इन्होंने मेरे लिए यहाँ पर कैलोरीज भी लिखी थी कि इसमें इतनी कैलोरीज है। मैंने सुना है इनके नगेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, फिर वही ट्राई करती हूँ। जी तो खाना शाना हमने खा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। मैं मतलब जितना मेरे से वीडियोस बनी वो मैंने आपको दिखाई और जितना हो सका ज़्यादा बात नहीं कर रही थी कि उम्रे के दौरान तवाफ़ के दौरान मैं जितना हो तलबियाँ पढ़ूँ दरूद पाक पढ़ूँ। बाकी अल्लाह पाक मेरे मामा पापा भाइयों को भी ये सारे नसीब फरमाए और जितने ये व्लॉग देखें अल्लाह पाक सबको अल्लाह पाक का घर देखना नसीब फरमाए। अब मुझे इजाज़त दें इस व्लॉग से, इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले व्लॉग में। तब तक आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी रखूँगी, लाजिम बात है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह।